का तबका जो है किस तरह सरवाइव करे, किस तरह अपने बच्चों का पेट पाले, वो 20 या 25 या 30 या 40 हजार रुपया तनख्वाह में किस तरह गुजारा करे। आप जो दूध के ऊपर भी एग्जम्पशन आप वापस ले रहे हैं, आप ऐसे डेली यूज की चीजें बच्चों के दूध की जो एग्जम्पशन वापस ले रहे हैं। ख्वाजा साहब मैं एक बात बताऊं, एक मिनट मैं होल्ड रखे। नंबर वन तो ये कि मैं इसके ऊपर पूरा डिबेट कराऊंगा और वो हम टाइम आप लोगों के साथ तय कर लेंगे। नंबर वन। नंबर टू, नहीं मैंने आपको शॉर्ट टाइम दे दिया। दूसरी, जो आपने बात की है जो ऑर्डिनेंसेज है उसके बारे में मैंने पूरी रूलिंग दे दी है, आप रूलिंग को देख ले, जो मेरे पास जो कानूनी रूलिंग है मैंने दे दी है। तीसरी जी ख्वाजा साहब प्लीज वाइंड अप कर ले क्योंकि मैं आपको पूरा बात कर दूंगा। जनाब स्पीकर, आपकी रूलिंग जो है हमें उसका एहतराम है, लेकिन मैं उस रूलिंग के साथ एग्री नहीं करता। मैं आइन की अग्री नहीं करता। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। 17 तारीख को दो जो है ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुए हैं, आपने क्यों नहीं उनको रीप्रोमुलगेट किया? एक जो है पिछले महीने हुआ है, एक कल हुआ है, ये क्या आज हुआ है जो एक्सपायर हुआ है? आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाए खुदा के लिए, इसके तकद्दस का, इसकी तकरीम का, इसकी तौकीर का कुछ ख्याल करें, पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। हमारे मुल्क पे पहले भी क्यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। पाकिस्तान को हमने IMF की और IMF के जो सरप्रस्त लोग हैं, जो कौमें हैं, जो ममालिक हैं, उनके उनका ये डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं 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 नहीं, वो कोई और में आप फिक्र ना करें। एक नहीं नहीं, अगर ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते हैं मैं वैसे बैठ जाता हूं। थैंक यू जी। देखिए वाइंड अप कर ले, ज्वाइन अप कर ले। आपने जो वादे किए थे आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। थैंक यू जी। इस हाउस में उन वादों की डी चौक। असदुल्लाह साहब, स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इनको बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने आवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? फिर इन्होंने बात की कौमी सलामती की। सर ये देखें, वाकई में बहुत सही बात की, अभी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती, वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा